हेलो दोस्तों, बीपीएससी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आ चुके अपने नए वीडियो के साथ, जो कि हैं बीपीएससी से रिलेटेड, बीपीएससी की आंसर की आ चुकी है, उसके रिगार्डिंग आपको एक नोटिफिकेशन ये कुछ देर पहले आई हुई थी, इसको आप देख सकते हैं। इसमें मेंशन किया गया है, जो डेट है कि 29th को आंसर की आने वाली है, जिसमें एग्ज़ाम हुआ था 15 अक्टूबर 2019 को 35 जिलों में इसको आयोजित की गई थी 718 परीक्षा केंद्र पर। इसके लिए एक नोटिफिकेशन ये है कि आप दिनांक 11 नवंबर तक 5 बजे तक आपको लिफाफे पर परीक्षा का नाम, आपत्ति, जिस क्वेश्चन में आपको आपत्ति है आपको भेज देना है, और इस 11 नवंबर तक क्वेश्चन जो भी ऑब्जेक्शन में आपका है वो आपको उस दिनांक तक आपको पहुंच जाना चाहिए, तब जाके ऑब्जेक्शन पर कुछ एक्शन लिया जाएगा। तो ये ऑफलाइन के तौर पे है, आप इस पर जरूर ध्यान देंगे, इस नोटिफिकेशन को आप पढ़ लेंगे। मैं इस चीज़ को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, एक ये नोटिफिकेशन और आंसर की अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आंसर की देख सकते हैं और यहाँ से आप बताएंगे कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, बिकॉज बीपीएससी ही डिसाइड करती है कि आपके ओरिजिनल मार्क्स जो होंगे वो कितने होंगे। उसके बाद एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की आस लगाई जाएगी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी कितनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आते हैं हम अपने मेन एक्चुअल जो बीपीएससी के द्वारा आंसर की आई हुई है उस पर। ये ऑफिशियल है, इस पर कुछ प्रश्न पे आपको शायद यहाँ डाउट हो सकता है, तो उसी के रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन आपको करना है। 11 तारीख डेट आप नोट कर ले, 11 नवंबर तक पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, जो आपको मैंने वो फॉर्मा दिखाया था उसके रिगार्डिंग आपको वहाँ पे मैसेज नहीं, ये ऑफलाइन भेजना है। 11 नवंबर तक बीपीएससी के आयोग के और हेड ऑफिस में पहुँच जाना चाहिए कि आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत आई है, और उसके साथ आपको प्रूफ के तौर पे भेजना होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर ए का सीरीज़ है और बी सी डी आंसर आपके रिगार्डिंग में यहाँ दिए गए हैं। जो क्वेश्चन ए का था नंबर सीरियल नंबर वाइज, वहाँ यहाँ एक बी में 31 है, सी में 61 है और डी में 111 है, मीन्स 111 है। यहाँ आप देख सकते हैं ई ऑप्शन अगर देखा जाए, गिना जाए तो ई ऑप्शन देख सकते हैं आप, पहला में मिला है। यहाँ देख सकते हैं 16 नंबर, दो हो चुके हैं अभी तक, ई ऑप्शन अभी तक ही दो ही हुए हैं, 75 आ चुका, और यहाँ देख सकते हैं 105, 6, दो चार हो गए, एक पाँच हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 7, 8, तो कुल 150 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन ऐसे रहे हैं जिनको आयोग ने ई ऑप्शन माना है, जो कि एक या एक से ज़्यादा या इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन। ठीक है, यही क्वेश्चन होता है जो सबके लिए मतलब उलझन वाला होता है, लोग यहाँ फंस जाते हैं। आयोग द्वारा यहाँ देख सकते हैं नोटिफिकेशन जो मेंशन किया गया है, आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए उत्तर पूर्णतः औपबंधिक है, प्रोविजनल है, उपर्युक्त निर्धारित तिथि तक आपूर्तिकर्ता, जो हमने मेंशन किया था कि 11 नवंबर तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए, उसके बाद यहाँ आपत्ति करने की गहन समीक्षा विशेषज्ञों की समिति द्वारा की जाएगी, और गहन समीक्षोपरांत सभी प्रश्नों को अंतिम आदर्श उत्तर तैयार किया जाएगा लास्ट में। वो जब ज़्यादा क्वेश्चन इसमें गलत मिलेंगे उसके रिगार्डिंग एक कमेटी बनाई जाएगी, उसके बाद जो अगली आंसर की आएगी उसके रिगार्डिंग वो सेट की जाएगी कि मेन जो लास्ट आंसर की होगी। लेकिन इसमें अगर देखा भी जाएगा तो 4 से 5 क्वेश्चन ही थोड़े मतलब असमंजस वाले होंगे, तो आप ज़रूर से ज़रूर बताएं कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, ज़रूर से ज़रूर शेयर करें कि कितने आपके जा रहे हैं, आपके कैटेगरी वाइज ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट।